अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट लैब 360। आज हम आपको बताएंगे कि आप घर में ब्रेड से कैसे गुलाब जामुन बना सकते हैं और वो भी बहुत ही मज़े का और बहुत सॉफ्ट गुलाब जामुन बनेंगे। तो चलें रेसिपी की जानिब चलते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शीरा बना लेंगे। शीरे के लिए हम हाफ कप पानी एक डेगची में डाल देंगे और उसमें एक कप चीनी डाल देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। उसको 5 मिनट तक पका लेंगे और ये देखें इसमें बबल आना स्टार्ट हो गया और शीरा भी थोड़ा सही तरह गाढ़ा नहीं बना, तो उसको हम 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। और ये देखें अब शीरा गाढ़ा हो चुका है और अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। शीरा हमारा रेडी हो गया है और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने 4 ब्रेड लिए हैं और उनके कॉर्नर्स को हमने कट कर लिए है और इस ब्रेड को हम मज़ीद हम इसको छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। ब्रेड के पीसेज को हम एक बाउल में डाल देंगे और उसमें हमने 3 से 4 चम्मच दूध डाला है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेड को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। अगर आपके ब्रेड बहुत ज़्यादा और सॉफ्ट हो जाए तो आप इसमें एक ब्रेड और शामिल कर लें। और इसके अब हम छोटी छोटी बॉल्स बना के रख लेंगे। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर छोटी छोटी बॉल्स बना के रख लेंगे। अगर आप हाथ पे ऑयल लगाएंगे तो आपकी इजीली इससे छोटी छोटी बॉल्स बन जाएंगी। इसी तरह आप बॉल्स बना के रखते जाएं और सारे बॉल्स बना के एक प्लेट में रख लें। और अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि हमने इन बॉल्स को डीप फ्राई करना है। अब हम इसमें 1 बाय 1 सारी बॉल्स डाल देंगे और इसको हम एक तरफ से फ्राई कर लेंगे पहले और फिर इनको दूसरी तरफ से पलट लेंगे। और ये देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया इनका और ये फ्राई हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट लगे हैं और ये फ्राई हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। और इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे और ये देखें कितने ज़बरदस्त ये इनका गोल्डन कलर है। अब हम सारे गुलाब जामुन को शीरे में डाल देंगे। और अगर आपका शीरा ठंडा हो गया है तो आप इसको थोड़ा सा चूल्हे पर रख के आप इसको गर्म भी कर सकते हैं। और ये देखें हमने इसको 1 मिनट के लिए इसको गर्म किया है और गुलाब जामुन को इसके अंदर मिक्स किया है। तो ये हमारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन तैयार हो गया। हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे और ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट गुलाब जामुन बना है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम फिर एक मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।